हेलो एवरीवन, और लीनियर प्रोग्रामिंग के आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डुअलिटी कॉन्सेप्ट के बारे में। तो लीनियर प्रोग्रामिंग के पिछले लेक्चर्स में हम फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम से लेकर ग्राफिकल मेथड, आपका सिंप्लेक्स मेथड, बिगम मेथड, टू फेस मेथड, ये सब कंप्लीट कर चुके हैं। एलपीपी को सॉल्व करने के जितने मेथड्स हमारे पास होते हैं, तो अब एक नया मेथड आपके पास आएगा, डुअल सिंप्लेक्स मेथड। तो डुअल सिंप्लेक्स मेथड को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई किसी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का डुअल क्या होता है। तो अगर आपको प्रीवियस लेक्चर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप लेक्चर बाय लेक्चर सारे लेक्चर देख सकते हैं कि कौन कौन से मेथड अब तक हमने कवर किए हैं। तो जनरली अगर डुअल की बात करूं तो डुअल के बारे में कहा जाता है कि अ रिलेटेड बट अपोजिट प्रॉब्लम डिराइव्ड फ्रॉम गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम विद द सेम आंसर। यानी कि अगर आपके पास कोई एलपीपी है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, तो उससे ही रिलेटेड लेकिन अपोजिट प्रॉब्लम हो, तो उससे रिलेटेड बट वो अपोजिट, मींस अपोजिट इन द सेंस कि इफ जो आपकी गिवन एलपीपी है जिसका आपको डुअल फाइंड करना है वो है मैक्सिमाइजेशन में, तो जो उसका एलपी जो उसका डुअल बनेगा वो होगा मिनिमाइजेशन का। तो इस टाइप पे कॉन्सेप्ट है डुअल का, तो इसलिए बोला रिलेटेड हो, यानी कि जो डिसाइडिंग वेरिएबल्स यहां यूज हो रहे हैं वही डिसाइडिंग वेरिएबल्स यहां हो। अगर यहां पे x1, x2, x3 इस तरीके से है तो यहां पे भी उससे रिलेटेड डिसाइडिंग वेरिएबल y1, y2, y3 इस तरीके के आपके डिसाइडिंग वेरिएबल्स होंगे, लेकिन कंडीशन क्या होगी कि ये अपोजिट है, कुछ कुछ रिलेटेड है, यानी कि डिसाइडिंग वेरिएबल्स एक दूसरे से रिलेट करेंगे। वो जब इसका हम फॉर्मुलेशन देखेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि रिलेटेड वर्ड किस सेंस में रिलेटेड है। बट द आफ्टर ऑल द ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन, तो जो आपको जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिलेगा वो सेम होगा, यानी कि द सॉल्यूशन ऑफ दिस एंड दिस बोथ आर सेम। इन दोनों का जो सॉल्यूशन होगा, जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन आपको फाइंड होगा, वो ऑप्टिमम सॉल्यूशन सेम होगा। तो यहां पे कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है कि जो एलपीपी आपको दी जाएगी, गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो होगी, यानी कि जिसका आपको डुअल फाइंड करना है, उसको बोलेंगे प्राइमल प्रॉब्लम। उसको बोला जाएगा आपका प्राइमल प्रॉब्लम। अब प्राइमल प्रॉब्लम जो है एलपीपी, उसका डुअल बनाने के लिए कुछ यहां पे कंडीशंस हैं, तो वो आपको मैं बता देता हूं, फिर हम देखते हैं डुअल किस तरीके से बनता है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, इफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ प्राइमल प्रॉब्लम, कि अगर जो आपकी प्राइमल प्रॉब्लम है उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज ऑफ मैक्सिमाइजेशन, यानी कि जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है प्राइमल प्रॉब्लम का वो मैक्सिमाइजेशन का हो, तो आपको क्या करना है, पहला जो लिमिटेशन है वो यहीं से आएगा कि किस तरीके से प्राइमल प्रॉब्लम में आपको जो कंडीशंस हैं, वर्किंग रूल है कि प्राइमल प्रॉब्लम में आपको क्या क्या चीजों को देखना पड़ेगा डुअल बनाने से पहले। तो पहले आपको क्या देखना है कि अगर उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मैक्सिमाइजेशन में, देन जो कंस्टेंट है उनके सभी साइन ये होने चाहिए लेस देन इक्वल टू, जितने भी आपके कंस्टेंट हैं वो लेस देन इक्वल टू वाली कंडीशन में होने चाहिए, अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ प्राइमल प्रॉब्लम इज ऑफ मैक्सिमाइजेशन। अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन का है तो कंस्टेंट का साइन लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, कंस्टेंट्स जो है आपके लेस देन इक्वल टू के होने चाहिए। यहां पर साइन ऑफ बी आईज मीन्स साइन ऑफ आरएचएस ऑफ कंस्टेंट्स डजंट मैटर, डज नॉट मैटर। यानी कि यहां पर कंस्ट्रेंट का जो साइन है, जो आरएचएस है राइट हैंड साइड है, उसका साइन मैटर नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देके बताता हूं किस तरीके से, कि सपोज कीजिए ये आपकी का एक कंस्टेंट है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन का है और वहां कंस्टेंट हमें मिल रहा है ये। तो अब तक के जितने भी मेथड हमने करे थे वो चाहे आपका सिंप्लेक्स हो, चाहे बिगम हो, चाहे टू फेज हो, तो वहां हम क्या देखते थे कि भाई द साइन ऑफ दिस
RHS इज पॉजिटिव कि भाई इसका साइन पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन यहां पे क्या कंडीशन है डुअल बनाने के लिए, क्या कंडीशन है कि भाई अगर ये मैक्सिमाइजेशन है तो ये लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, तो यहां हम क्या करेंगे दोनों तरफ माइनस से इंटू करवा देंगे, तो कितना हो जाएगा माइनस सिक्स एक्स वन माइनस सेवन एक्स टू लेस देन इक्वल टू माइनस फाइव। यहां पर आप जो डुअल फॉर्म करेंगे तो उससे पहले जो प्राइमल प्रॉब्लम में चेंज करेंगे वहां पर इसका साइन नहीं देखा जाएगा, छोटी सी बात है ध्यान रखनी है ये। तो ये तो बात हो गई आपकी प्राइमल जब ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन का हो, अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मिनिमाइजेशन का, इफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज ऑफ मिनिमाइजेशन तो आपका जो कंस्टेंट का साइन है वो सभी कंस्टेंट के साइन होने चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू। सेम कंडीशन यहां है कि जो राइट हैंड साइड है कंस्टेंट की उसका साइन मैटर नहीं करेगा। एग्जाम्पल सपोज 3x1 प्लस 4x2 इज लेस देन इक्वल टू 3, तो सिंप्लेक्स अगर यूज करना हो या बिग एम यूज करना हो तो ये कंस्टेंट सही है बिल्कुल, लेकिन अगर डुअल बनाना है और प्रॉब्लम आपकी मिनिमाइजेशन में है तो ये कंस्टेंट गलत है, तो हम क्या करेंगे इसको घुमाएंगे साइन को, कैसे माइनस से इंटू करवा के माइनस 3x1 माइनस 4x2 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3, यानी कि BI का साइन RHS ऑफ कंस्टेंट का साइन मैटर नहीं करेगा, मैटर करेगी कंस्टेंट की इनइक्वालिटी। अगर प्राइमल प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन में है तो कंस्टेंट का साइन ग्रेटर देन इक्वल टू, प्राइमल प्रॉब्लम अगर मैक्सिमाइजेशन में है तो लेस देन इक्वल टू। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है, डुअल इजीली बन जाएगा। एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताता चलूं यहां पे कि अब जैसे कि हमें पता है कि डुअल इज द रिलेटेड बट अपोजिट प्रॉब्लम, तो यहां पे क्या होगा अगर गिवन एलपीपी मैक्सिमम है तो डुअल क्या होगा उसका मिनिमाइजेशन का, अगर गिवन एलपीपी मिनिमाइजेशन है तो डुअल होगा उसका मैक्सिमाइजेशन का। बस ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है, और अभी देखिए दो मिनट के अंदर आपको ये ड्वेलिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो ये देखते हैं क्या है ड्वेलिटी का कॉन्सेप्ट, कैसे फॉर्म होती है एक डुअल प्रॉब्लम। अब जैसे कि हमें गिवन एक प्राइमल प्रॉब्लम है जिसका हमें डुअल फॉर्म करना है, तो यहां देखिए इसलिए ये मैंने कैनोनिकल फॉर्म आपको लिए, जिस तरीके मैंने बताया था कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज ऑन द फॉर्म ऑफ मैक्सिमाइजेशन, कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन का है तो जितने भी कंस्टेंट्स हैं वो सभी देखिए आप लेस देन इक्वल टू की फॉर्म में है, जहां पर एक नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन भी है कि जो आपका x1, x2 अप टू ये xn जितने भी हैं सभी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होंगे। तो ये इसका मैंने मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखा हुआ है, तो ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने सेकंड लेक्चर जो एलपीपी का था कैनोनिकल एंड स्टैंडर्ड फॉर्म वहां हमने देखा था, तो आपको रिकॉर्ड हो रही होंगी सारी चीजें कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन को इस तरीके से लिख सकते हैं सी ट्रांसपोज एक्स, जहां पे सी मैट्रिक्स क्या होगी आपकी एक कोफिशिएंट जो है सी वन सी टू सी एन इनका एक कॉलम मैट्रिक्स, अब उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो रो मैट्रिक्स बन जाएगी। एक्स क्या है भाई जितने भी आपके डिसाइडिंग वेरिएबल्स हैं इनका एक कॉलम मैट्रिक्स, ए क्या है आपका भी ये जो कोफिशिएंट है इनका एम क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स, और बी क्या है कि भाई ये जो राइट हैंड साइड है कंस्टेंट की उसका एक कॉलम मैट्रिक्स। तो ये कैनोनिकल फॉर्म में लिखा हुआ है मैंने ताकि हमें इजिली समझ में आ जाएगी किस तरीके से हम डुअल फॉर्म करते हैं किसी एलपीपी का। अब इसका डुअल प्रॉब्लम देखते हैं, प्राइमल प्रॉब्लम अगर ये है तो इसका डुअल किस तरीके से फॉर्म होगा। अब जैसे कि मैंने कहा था कि भाई अगर प्राइमल मैक्सिमम है तो डुअल क्या होगा मिनिमम, तो ये मैक्सिमम है तो इसका डुअल होगा मिनिमम। अब जेड इसको रिप्रेजेंट कर रहे तो यहां पर हम डुअल में एक दूसरा वेरिएबल लेंगे डब्ल्यू, वेरिएबल लेंगे W। अब देखिए यहां क्या चेंज होगा आपका, मैंने कहा था ना रिलेटेड है अपोजिट है रिलेटेड है, अब अपोजिट तो हो गया, अब रिलेटेड किस तरीके से है यहां पर आप कोएफिशिएंट देखिए क्या है C1 C2 CN, तो जब आप अब इसका डुअल बनाएंगे तो ये जो आपको यहां दिख रहा है RHS कंस्टेंट का, इसकी हेल्प से हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाएंगे यहां पर। अब अगर हमने Z को चेंज करा है तो Z के डिसाइडिंग वेरिएबल क्या है x1 x2 xn, तो भाई W के डिसाइडिंग वेरिएबल्स भी हम चेंज कर देंगे, वो भी हम कोई y ले लेते हैं, तो क्या होगा देखिए अब b1 y1 प्लस b2 y2 प्लस
अप टू, अब देखिए कहां तक, बीएम तक, तो ये हो जाएगा बीएम वाई। तो पहले कंस्टेंट कितने थे आपके पास, एम, यहां पे एन वेरिएबल थे, कंस्टेंट तो एम ही थे, वेरिएबल कितने थे एन, लेकिन अब आपके पास वेरिएबल कितने हैं एम। अब वेरिएबल एम किस लिए, एम वेरिएबल कैसे हो, क्योंकि भाई अब जो हमने जिस तरीके से डुअल फॉर्म कर लिया, मैंने कहा कि भाई ये सी वन सी टू सी एन है, ये रिप्लेस हो जाएंगे बी वन बी टू बी एम से, तो ये तो एम थे लेकिन ये एम है, तो इस वजह से अब आपके पास जो जो वेरिएबल्स हैं वो भी एम वेरिएबल्स हो गए। अब बात करते हैं इसके कंस्टेंट्स की, सब्जेक्टेड टू, अब बात करते हैं इसके कंस्टेंट की, भाई इसके कंस्टेंट किस फॉर्म में होंगे। अब अगर कंस्टेंट को ध्यान से देखें तो अब हमें एम वेरिएबल्स के साथ ही ये कंस्टेंट फॉर्म करने हैं, ये वाले कंस्टेंट फॉर्म हो रखे हैं एम वेरिएबल्स एक्स वन एक्स टू एक्स एन, लेकिन अब जो कंस्टेंट फॉर्म होने वाई वन वाई टू वाई एम, यानी कि एम वेरिएबल्स के साथ फॉर्म होने हैं। तो किस तरीके से फॉर्म होंगे वो, अब आप क्या करेंगे, जैसे ए वन वन ए वन टू, अब ये समझिए कि इसको आपको पूरा इस तरीके से ट्रांसपोज करके रख देना है, कैसे मैं बता रहा हूं, ए वन वन वाई वन प्लस, अब ए वन टू नहीं लेंगे, अब लेंगे ये ए टू वन, ए टू वन वाई टू, और इसी तरीके से मैंने कहा ट्रांसपोज करके रख देना है कि ये जो कॉलम है ये आपका रो बन जाएगा उधर की तरफ जाके, तो ए एम वन वाई एम। अब जो आपकी प्राइमर प्रॉब्लम है उसका कंस्टेंट है लेस देन इक्वल टू, डुअल प्रॉब्लम बनी मिनिमाइजेशन में तो इसका कंस्टेंट हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू सी वन। भाई अगर B1 रिप्लेस होगा C1 से, तो अगर B C की जगह ले रहा है तो C B की जगह लेगा, यानी कि ये सब पहुंच जाएंगे यहां और ये C आ जाएंगे नीचे उतर के, इस तरीके से सेकंड कंस्ट्रेंट बनेगा इस सेकंड कॉलम की हेल्प से। अब देखिए हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, हम ऐसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर इस कंस्ट्रेंट की रो वाइज देखा जाए तो रो वाइज तो वहां पर n टर्म्स हैं, जबकि वेरिएबल्स हमारे पास कितने हैं m, और अगर कॉलम वाइज देखा जाए तो कॉलम वाइज वेरिएबल है m, तो इस वजह से हम ट्रांसपोज करके कॉलम के कोफिशिएंट्स को लेते हैं ताकि हमारे पास एम वेरिएबल का ही कंस्टेंट आए। सेकंड देखें अगर, तो अब क्या होगा, ये ए वन टू से ए वन टू वाई टू प्लस ए टू टू ए टू टू सॉरी ए वन टू वाई वन ए टू टू वाई टू प्लस ए एम टू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू सी टू, तो इसी तरीके से चलता जाएगा और लास्ट में आपको देगा ये वाला कॉलम ए वन एम वाई वन प्लस ए टू एन वाई टू प्लस ए एम एन वाई एम ग्रेटर देन इक्वल टू सी एन ग्रेटर देन इक्वल टू सी एन। अब यहां पर भी यही है कि ये जितने भी आपके वाइज हैं वाई वन वाई टू वाई थ्री ये सभी वाई एम तक सभी ग्रेटर देन इक्वल टू हैं जीरो के, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन यहां पर भी है। अब आपको ये ए बी सी इन सब की वैल्यूज पता है, मैंने कैनोनिकल फॉर्म में पहले ही आपके पास ये वैल्यूज लिख रखी हैं कि मैट्रिक्स फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। तो यहां क्या था, मैक्सिमम जेड इक्वल टू सी टी एक्स, तो यहां क्या हो जाएगा इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा इसका कि मिनिमम W इज इक्वल्स टू C ट्रांसपोज, लेकिन अब क्या हो जाएगा B, B चला जाएगा ऊपर कि B ट्रांसपोज, क्योंकि B तो हमारा कॉलम मैट्रिक्स है, लेकिन यहां हमें क्या चाहिए, ये कॉलम था इसका रो, तो इसलिए हमने ट्रांसपोज किया था, तो B अगर कॉलम है तो इसका भी रो बनाना पड़ेगा, ट्रांसपोज करेंगे, लेकिन X की जगह आ जाएगा Y, बस इतना छोटा सा अंतर होगा। कंस्ट्रेंट में क्या पड़ेगा, सब्जेक्टिव टू, अब देखिए कंस्ट्रेंट में क्या फर्क पड़ेगा, हमने देखा कि भाई हमने सभी कंस्ट्रेंट का ट्रांसपोज यहां पे किया है, इसको इस तरीके से घुमा दिया पूरे को, तो क्या हो जाएगा ए का हो जाएगा आपके पास ए ट्रांसपोज वाई दिस साइन ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ग्रेटर देन इक्वल टू सी वेयर, जहां पर आपके पास नया मैट्रिक्स क्या है वाई, वो मैट्रिक्स है आपका वाई वन वाई टू अप टू वाई एम, यानी कि m क्रॉस वन ऑर्डर का एक कॉलम मैट्रिक्स। तो ये है आपके डुअल का कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से एक प्राइमर प्रॉब्लम का डुअल बनाया जाता है, कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन लीनियर प्रोग्रामिंग का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
देखा आपने, बहुत सरल सा था, कुछ अलग से हमने चीज नहीं की, बस ध्यान रखना है, काफी मजेदार सा काम है यहां पर। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं जिससे हमें और इजीली क्लियर हो जाए कि किस तरीके से मैक्सिमाइजेशन से मिनिमाइजेशन, और सिंपल सेम बिल्कुल ऐसे ही फंडा आपको मिनिमाइजेशन से मैक्सिमाइजेशन में करना है। बस अंतर क्या होगा, यहां मिनिमम होगा तो यहां मैक्सिमम आ जाएगा, यहां कंस्टेंट के सारे साइन ये होंगे, तो वहां पर जो आपका ड्यूअल बनेगा उसमें साइन ये होंगे, यानी कि ये प्रॉब्लम इसका ड्यूअल है और ये वाली प्रॉब्लम इसका ड्यूअल है। आप ऐसे समझ सकते हैं इसको, कि जब मैक्सिमाइजेशन वाली प्रॉब्लम का ड्यूअल ये मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, और मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम का ड्यूअल ये मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। आगे चल के हम अगले लेक्चर में एक थ्योरम भी पढ़ेंगे कि ड्यूअल ऑफ द ड्यूअल इज अ प्राइमल, कि भाई इसका जो ड्यूअल निकलेगा वो यही प्रॉब्लम होगी। वो आगे की बात है, वो बड़ी आगे की चीज है, उसे बाद में देखते हैं। अभी सिंपल से एक एग्जांपल लेकर ड्यूअल फॉर्म, अब जैसे कि यहां आपको ये एग्जांपल दिख रहे हैं, दो मैंने एग्जांपल लिए हैं, एक मैक्सिमाइजेशन में लिया मैंने अपनी प्राइमल प्रॉब्लम, और एक मिनिमाइजेशन में जिनका मुझे ड्यूअल फॉर्म करना है। तो जैसे कि अब हमारी जो गिवन प्रॉब्लम है, फर्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं, मैक्सिमाइजेशन वाली प्रॉब्लम को ही। तो मैक्सिमाइजेशन में हमने अभी क्या सीखा कि भाई जो भी कंस्टेंट है उनका साइन लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। तो फर्स्ट कंस्टेंट में आपको साइन लेस देन इक्वल टू दिख रहा है, थर्ड में दिख रहा है, लेकिन सेकंड में नहीं है। तो सेकंड के साइन को हम कैसे चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई बाय माइनस वन, दोनों तरफ माइनस वन से मल्टीप्लाई करके, माइनस एक्स वन माइनस टू एक्स टू माइनस एक्स थ्री इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस 20। अब यहां देखिए, तो पहले यहां पे मैट्रिक्स फॉर्म कर लेते हैं, इसके कोएफिशिएंट की क्या मैट्रिक्स आएगी, 1। अब इसके साइन की जगह ये साइन देखे जाएंगे, ये है हमारा कंस्टेंट, ये ध्यान रखिएगा, माइनस 1 और फिर 1 एक्स 1 के, एक्स 2 के लिए 4 माइनस 2 एंड एक्स 2 थर्ड में नहीं है तो 0। अब एक्स 3 फर्स्ट में, एक्स 3 नहीं है 0, सेकंड में एक्स 3 का है माइनस 1 साइन और थर्ड में है 1 कोएफिशिएंट। तो ये मैट्रिक्स बन गई, यहां से जो इसके कोएफिशिएंट्स की मैट्रिक्स बनी 3 5 1। अब देखिए किस तरीके से, और यहां क्या है 5 माइनस 26। तो मैक्सिमाइजेशन का ड्यूअल मिनिमाइजेशन, मिनिमम ऑफ w इज इक्वल्स टू ये जो है यहां से b, ये उठ के चले जाते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, तो क्या हो जाएगा 5y1 माइनस 20y2 प्लस 6 y3। तो ये तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन तैयार हो गया। आप देखते हैं इसके कंस्टेंट, अब कोएफिशिएंट क्या है 1 1 1, यानी कि ये वाली रो 1 माइनस 1 1, इसको ऐसे उठा लेंगे तो 1 y1 यानी कि y1 माइनस 1 y2 एंड प्लस 1 y3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। सी जो है वो यहां जाएंगे, अब सेकंड कॉलम 4 y1 माइनस 2 y2 फिर प्लस 0 y3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब यहां रखिए 0 y1 माइनस y2 प्लस y3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड आपके y1 y2 y3 ये जो भी हैं ये सभी ग्रेटर देन इक्वल टू हैं 0 के। तो ये है आपकी इस गिवन प्राइमल प्रॉब्लम का ड्यूअल। तो यह मैक्सिमाइजेशन में देखा, सेम ऐसे मिनिमाइजेशन में करना है। अब मिनिमाइजेशन में हमें पता है कि कंस्टेंट के साइन चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यहां तो आपको मिलना है, यहां नहीं है तो यहां पे भी वैसे ही करेंगे, माइनस वन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 4x1 माइनस x2 माइनस x3 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 10 इस तरीके से। अब देखिए सॉल्यूशन इसका, तो अगेन यहां से मैट्रिक्स आपकी क्या बन के आएगी, वो मैं बना लेता हूं, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 1 माइनस 4 3, ये x1 के कोएफिशिएंट्स, x2 के 3 माइनस 1 x3 x2 मतलब थर्ड वाले में नहीं है तो 0, x3 फर्स्ट में नहीं है 0, सेकंड में -1 एंड लास्ट में 1। यहां से आएंगे इसके कोएफिशिएंट्स का 1 2 4 इस तरह। तो अब देखिए मिनिमम का प्राइमल मैक्सिमम, मैक्सिमम ऑफ z इक्वल्स टू, अब जो b है ये कहां चला जाएगा कोएफिशिएंट में, तो ये हो जाएगा आपका 6y1 माइनस 10y2 प्लस 5y3 ऑब्जेक्टिव फंक्शन तैयार। अब कंस्टेंट की बारी, z नहीं w,
ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है आपको, जेड नहीं डब्ल्यू चलेगा, सब्जेक्टिव टू कंस्टेंट। इस कॉलम को उठाइए, वन वाई वन माइनस फोर वाई टू प्लस थ्री वाई थ्री, यानी कि कॉलम वाइज। अब साइन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां चलेगा लेस देन इक्वल टू वन। सेकंड कॉलम उठाइए, थ्री वाई वन माइनस वाई टू प्लस जीरो वाई थ्री लेस देन इक्वल टू टू। थर्ड कॉलम उठाइए, जीरो वाई वन माइनस वाई टू प्लस वाई थ्री लेस देन इक्वल टू फोर, जहां पर आपके वाई वन वाई टू वाई थ्री ये सभी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। तो ये इजीली हमने डुअल बना लिया। तो मेन हमें डुअल बनाना इसलिए सीखना पड़ा क्योंकि जो अगला मेथड है हमारा वो है डुअल सिंप्लेक्स मेथड, यानी कि उसमें हम किसी भी आपकी गिवन प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन निकालते हैं वो निकालेंगे तो सिंप्लेक्स मेथड से ही, लेकिन उसके डुअल की हेल्प से। वहां हम प्राइमल प्रॉब्लम को डायरेक्ट सॉल्व ना करके उसके डुअल को सॉल्व करेंगे। तो ये देखते हैं हम अपने अगले लेक्चर में कि किस तरीके से सॉल्व होता है। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए इसकी। अगर आपको लीनियर प्रोग्रामिंग के नोट्स और वर्कशीट्स वगैरह चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहां पे कॉन्टेक्ट करके आप उससे ले सकते हैं। इसके अलावा लीनियर एल्जेब्रा इंटीग्रल कैलकुलस की भी लेक्चर सीरीज कंटिन्यू चल रही है, उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो स्टडी करते रहिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने मैथमेटिशियन फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।